जय श्री राम। एक बार फिर लंका कांड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने पिछली बार जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करूँगी। हनुमान का इंतज़ार हो रहा है, राम व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण को खोने का डर है सबको, क्योंकि सुबह होने वाली है और हनुमान अभी तक नहीं लौटे हैं संजीवनी बूटी लेकर। तो शुरू करती हूँ। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति, भाई भाई से सदा करता सच्ची प्रीति। कारणवश भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखा जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया हक अपना क्यों कर भाई ने, आया था काल मुझे लेने ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जगू जियाला भ्रात, फिर वह भी सौमित्र सा संयम वाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको तब उबल उठा था भाई, यह भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने अपने भ्रातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यह भ्राता ही था। खाने को फल पीने को जल हर रोज वनों से लाता था। आदर्श बना था औरों को मिल
सकता नहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर ए दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे आज्ञा अब मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार, यह भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरा जय का संपूर्ण भार हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी एक और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह है अब पकड़ी है बाह विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो यह नौका रघुकुल के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी जब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी, तब जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी। तब बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहां, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुहन और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में।
इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से हैरण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक यह लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्या नाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरो तुमसे विदा होता है यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहाँ बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार इस सागर के है मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। ईशान यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ कुछ लालिमा नजर आने लगी। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कह कर गिरने लगे जब फिर कौशल नाथ। उन्हें लगा सूर्य निकलने वाला है, अब रही सही उम्मीद भी चली गई, अब तो मुझे भी लक्ष्मण के साथ अपने प्राण त्यागने ही हैं। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड के साथ।
संजीवनी सुषेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपि वृंद थकित से है, नारद शारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में मटने पर भी प्रभु का मिलाप यकरंगी था। उस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभि व्योम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुंचा आया भवन तक सादर कीश समाज। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण की बात हो रही है। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण था महाबली, रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना, बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं छः छः मासों में वह एक रोज को जगता था, कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वह ही अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालुकीश प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और, जिस जिस को भी यह खाता था, वह नाक कान के रस्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डॉल,
इस कुंभकर्ण का इतना था। अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। काँप उठा उस समय जब भालुकेश समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों में जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक के सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जोड़ा उनका, छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य जो ही दम का आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झचक उठा, झपक उठा। कटि में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी जब देखा उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण रचने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यूं बातों पर तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कहकर धनवा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव के गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, क्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यश पे झुलता हो, या यूं कहिए कल कलुष पाप सत के सुप्राण पर धाता हो। रजनी चरने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब ऐसा सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह तुरंत संग्राम। आ जानू बाहु का बाण युद्ध, बस देखे ही बना
पता है कब लेते और चढ़ाते हो, रिप नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुर वानर समुदाय, काल बाण रिप पर चला बेहसे कुछ रघुराए। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला सुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुर मंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, फिर से मेघनाद एक बार आए दोबारा अगले दिन। नागपाश में बंध गया राघव कटक तमाम, और इस बार उन्होंने नागपाश का प्रयोग किया और पूरे राम के दल को उन्होंने नागपाश में बांध लिया। जांबुवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। सांप और गरुड़ एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो नागपाश से गरुड़ देव ने सबको मुक्त कर दिया और मेघनाद का जो मान था उसको चकनाचूर कर दिया। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार, सुर मंडल गुणगान कर होता था बलिहार। जय श्री राम। तो आज के लिए इतना ही। लंका कांड का अगला अध्याय सती सुलोचना लेके मैं आपके सामने रहूंगी प्रस्तुत कल फिर एक बार। सुलोचना मेघनाद की पत्नी है, तो सती सुलोचना से यह जाहिर हो जाता है कि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि मेघनाद का वध किस प्रकार होता है और किस प्रकार सुलोचना उनके साथ सती होती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लंका कांड का ही। इंतज़ार कीजिएगा एक बार।